हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पूनम्स तड़का किचन में। आज हम बनाएंगे अरबी की सब्जी, एकदम चटपटी अरबी की सब्जी बनाएंगे हम, जिसे खाकर लोग आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं। तो अगर आप भी ऐसी सब्जी बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम हमारी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चलिए, ये मैंने अरबी ले ली है, इनको मैंने धो के छील लिया है। ये मैंने पहले एक दो अरबी छील ली थी, उसके बाद मुझे याद आया कि ये हाथ में इचिंग होने लगती है इससे, तो मैंने ऑयल लगाया हाथ में और उसके बाद मैंने इसको छीला। अब हम इसे काट लेंगे। ये देखिए, हमें इतना मोटे टुकड़े काटने हैं इसके, ज़्यादा पतले नहीं करने वरना वो घुल जाएंगे। अब हम इसे कुकर में डाल लेंगे। इसमें डालेंगे हम पानी, बस इतना पानी डालना है कि बस वो डूब जाए। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच नमक। नमक हम बाद में भी डालेंगे इसलिए थोड़ा सा। अब हम कुकर बंद करके इसमें सीटी लगा लेंगे, दो से तीन सीटी लगाएंगे। लास्ट में थोड़ी सी गैस हम इसमें छोड़ देंगे और उसको हम एक मिनट के बाद निकाल देंगे, वरना ये ज़्यादा गल जाएगी। ये देखिए, अब हम चेक कर लेंगे, ये गल चुकी है। हमें सब्जी बनाने के लिए चाहिए दो मीडियम साइज़ प्याज, दो मीडियम साइज़ टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन। चलिए बनाते हैं। ये मैंने तेल ले लिया, तेल गर्म होने पर मैंने डाल दिया थोड़ा जीरा। थोड़ी सी हम डाल देंगे अजवाइन इसमें, अजवाइन का तड़का इसमें बहुत ज़रूरी है डाइजेशन के लिए। थोड़ी सी हींग डाल दी मैंने इसमें, दो से तीन लाल मिर्च डाल दिया सूखी, और अब हरी मिर्च डाल देंगे हम इसमें। और जैसे ही हमारी हरी मिर्च थोड़ी पक जाएगी तो अब हमने डाल दी प्याज डाल दी है। ये देखिए, अब इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। जब हमारी प्याज थोड़ी सी, इसको तीन से चार मिनट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें लहसुन डालूंगी। प्याज को अच्छे से भूनना है, प्याज अच्छे से भुनेगी तभी हमारी सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया लहसुन और इसको मैं ढक दूंगी एक से दो मिनट के लिए, और इसको ऐसे ही पकने दूंगी। और एक से दो मिनट के बाद हम इसको कर देंगे मिक्स। ये देखिए, अगर आपने भी अरबी की सब्ज़ी इस तरह से नहीं बनाई है तो आप मेरे कहने से एक बार मेरी तरह से बना के देखिएगा, आपको ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और जिसके लिए भी आप बनाएंगे वो सब आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे नमक और इसको कर देंगे मिक्स। अब हम इसे ढक देंगे ताकि टमाटर हमारे गल सके। इसको एक से दो मिनट के लिए ढक के रख दिया। अब देखिए, ये हमारे टमाटर जो हैं गल चुके हैं, इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे चमचे की हेल्प से। अब इसमें मसाले डाल देंगे, आधी चम्मच हल्दी, दो चम्मच लाल मिर्च डाली है मैंने, और दो चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, और बस अब इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। देख रहे हैं आप, हमने बहुत ही कम मसालों में, आप देखिएगा हमारी कितनी टेस्टी सब्जी बनेगी। मसाले को हम दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, तभी मसालों का फ्लेवर अच्छे से आएगा। अब हमारे मसाले भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे अरबी जो कि हमने उबाल के रखी थी। ये मैंने सब इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और दो से तीन मिनट तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी का, बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपने एक बार इसको ऐसे बना लिया तो आप बार बार ऐसे ही बनाने वाले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। मैं डेली आपके लिए एक नई वीडियो लेके आती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। दो से तीन मिनट के बाद सब्जी हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसे सर्व कर देंगे। मैं डेली एक नई रेसिपी लेके आती हूँ, आप भी देखिए, बनाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए और सबसे तारीफ पाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।